जी गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है वहां से राहत मिलेगी। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी के साथ हैं। आगामी दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव, भाजपा को हार से करारा जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। बीजेपी के षड्यंत्र से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद सभी लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। अब जल्द ही राजस्थान में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी होंगे। जुलाई के आखिर में बूथ सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय नेताओं का समय मांगा है। जैसे ही उनकी उपलब्धता होगी वो जयपुर आएंगे। राजस्थान कांग्रेस के संगठन विस्तार की कवायद पूरी जल्द सूची जारी होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता इसलिए जयपुर में पड़ाव कर रहे हैं क्योंकि बौखलाए हुए हैं। बीजेपी को राजस्थान लीडरशिप पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान आ रहे हैं। बार बार केंद्रीय नेतृत्व का बहुत पहले से जाना, उनको पूरे प्रदेश के भाजपा के नेताओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो समय से पहले जा रहे हैं। वरना तो अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी हुआ नहीं है, उससे पहले पांच पांच प्रधानमंत्री जी के दौरे, नड्डा जी के दौरे, 150 कुर्सियों पे कार्यकर्ता मिले, नड्डा जी जाएं तब, और वसुंधरा जी का पता नहीं कब किस मीटिंग में जाए किस में नहीं जाए, सतीश पूनिया जी कहाँ जाए, राजेंद्र जी राठौड़ के ऊपर गजेंद्र सिंह जी क्या तंज कसें, गजेंद्र जी को कैसे ओम बिड़ला जी मात दें, ये सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर भाजपा की प्रदेश इकाई में। तो जनता सब देख रही है कि इनकी पार नहीं पड़ने वाली है। जो सरकार ने अच्छा काम किया और कांग्रेस संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में लोगों के बीच में है तो कांग्रेस जीती। कोई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बनाने को लेकर कोई प्रस्ताव? देखिए, ये कार्यक्रम हम प्रस्तावित करते हैं, हमने कल प्रस्तावित किया है, वर्बली किया है, अभी हम लिखित में प्रस्तावित करेंगे। फिर जिन जिन को जैसे जैसे समय मिलेगा, जो शेड्यूल हमको दिया जाएगा उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उत्साह के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे।